सत्संग की संख्या में उपस्थित आपके बंधु श्रद्धा की ममता में प्रवर्तन माता आप सबके बीच कुछ पल के लिए कृपा देकर प्रस्तुत है। एक बात की बात है एक आदमी बहुत ही धनी आदमी था, उसका मन हुआ कि कहीं सेव किया जाए, पैसे की कमी नहीं थी, बड़ा आदमी था, अमीर लोगों को उसका नाम था। उसने भी सोचा कि क्यों ना समुद्र की यात्रा की जाए, और समुद्र की यात्रा करनी हो तो खुद अपने हाथों से ही नाव चलाकर क्यों ना वहां चले जाए। सोचा चले पता करें, गया बंदरगाह में एक छोटा बोट मिल गया, उसे जॉकेट पहना जिससे वो कभी गिर जाए पानी में तो बच सके, इलेक्ट्रिक नाव बोट, और चला गया सैर करने। अब नाविक होता तो दिशा का पता होता, नाविक होता नहीं, चल जाए जिधर मर्जी हो, बड़ी दूर निकल गया। जब दूर निकल गया तो पीछे देखता है बंदरगाह दिख नहीं रहा, चारों तरफ पे जलाशय ही जलाशय, पानी ही पानी, कहीं जाने का नाम निशान नहीं दिखता। तब सोचा किसी बात जब कहीं मिलेगा किनारा तो आगे ही बढ़ा जाए। जैसे ही वो थोड़ा तो आगे बढ़ा, इतने में समुद्र पे घोर आ गए, ज्वालामुखी अब उसमें फंस गया, और अचानक हुआ ये कि वह नाव से गिर गया। अब गिर गया तो जैकेट पहना था इसके, बच गया। किसी भांति की लहर के साथ किनारे लगते 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 एक टापू में पहुंच गया, और उस टापू में जैसे ही पहुंचा तो देखता है कि सुनसान जंगल, चारों तरफ पानी ही पानी, वहां एक चिड़िया के काम करने वाली, छोटी सी चिड़िया की आवाज करने वाली मिली, एकदम सुनसान जंगल। जैसे ही गया भूख लगी थी, पेड़ों में फल मिले खाली, कुछ देर ऐसे ही विचार करते हुए बैठा था, अचानक मन में हुआ कि बोट तो था वो भी चला गया, अकेले पड़ा हुआ करूं तो करूं क्या। सोचा कि क्यों ना रहने के लिए झोपड़ी बना ली जाए, ठंडी गर्मी बरसात से बचने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता हूं, जंगल है ही, लकड़ी मिल ही जाएगी, कुछ लकड़ी जुगाड़ किया और एक छोटी सी झोपड़ी बना करके रहने के लिए रक्त कभी नाता अंदर जाने नहीं वाला था, इतने में अचानक बिजली कट गई और उसके झोपड़ी में आग लग गई। फिर रोने लगा, दुखी होने लगा, और भगवान से यही गुस्साए मन से कहने लगा कि क्या भगवान, एक तो कभी कभार सौ से पानी में
शेयर करने का मौका मिला था, उसमें भी आपने मेरी सहायता नहीं की। बीच गवर्नमेंट वाली ले लेकर के किसी माँ ने इस टापू में पहुंचा था, यहाँ भी आपने मेरी सहायता नहीं की। झोपड़ी बनाई उसमें भी चला के काम कर दी। इतने में अचानक उधर से दो तीन आदमी नाव पर सवार होकर आ रहे हैं। देखा इधर आदमी आ रहे हैं, कोई नाविक आ रहा है। खड़े होकर के भयभीत मन से इंतजार करने लगा। जैसे ही ये सब आए उन्होंने कहा कि भैया आप अकेले यहां कैसे? इस जो भटके हुए आदमी से पूछा कि भैया आप यहाँ अकेले कैसे हैं? उन्होंने अपने फिर दुबड़ा रोया, बताया कैसे कैसे यहाँ पहुंचा। उस आदमी ने भी उन लोगों से पूछा, भैया आपको यहाँ का पता कैसे मिला? आपको यहाँ पता कैसे मिला कि मैं यहाँ पड़ा हूँ, अकेला हूँ और आपने इधर आए, आप इधर आए? उन्होंने कहा कि भैया आपने जो आग जला दिया ये बहुत बढ़िया काम किया आपने। दूर से हम लोग देखे कि यहाँ आग जल रहा है, इसका मतलब हमें लगा कि कोई ना कोई आदमी यहाँ है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है, हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह अच्छा होता है। क्या उसके साथ उस दिन आग ना लगा होता तो उससे कोई बचाने वाला मिलता? पहले वह भी दुखी हुआ, वह भी पीड़ित हुआ, किंतु बाद में सुकून महसूस हुआ, सुख मिला। ऐसे ही हमारे जीवन की भी दशा है। हम सबके जीवन में भी दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, पीड़ा होती है। मैं मानता हूं कि यह जीवन दुखमय है। कल भय सुखिया काम में देखा, जो देखा सो दुखिया। पर आगे आगे उसके और भी है कुछ। हम अपने जीवन की यात्रा को ये रोक ना दें। हमारी मंजिल तो दूर है, हम उस जिस मंजिल को पाना चाहते हैं, जिस मंजिल के लिए हम निकले हैं, जिस मंजिल के लिए हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है, उसके लिए भी तो कुछ करें, उसके लिए भी तो हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। हम अपने जीवन को देखते क्यों नहीं? हमें दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, मैं मानता हूं, पर क्या दुख में दुखी होना हमें सुख के मार्ग से भटकाता नहीं है? यदि कोई आदमी यहां से शहर जाना चाहे कुछ सामान लेने के लिए, बीच में उसका साइकिल पंचर हो जाता है और वो फिर कोई साइकिल को पंचर हो गया करके रोते बैठने बह जाए तो क्या कभी वो सर की ओर जा पाए? हम क्या करते हैं, जाते हैं साइकिल को लेकर के घसीटते हुए कहां तक? पंचर बनाने की दुकान तक, और फिर ठीक करा करके आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। हम भी अपने जीवन में ऐसा ही कुछ करें। हमारे जीवन में दुख आते हैं, पीड़ा आती है, कष्ट आते हैं, पर जिस जगह आप सब बैठे हैं ना, यही है वो जगह जहां आपका पंचर बनाया जाता है, आपके मन का ऑपरेशन किया जाता है, आपके मन में जो दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, उसे दूर किया जाता है। अब आगे आपकी मर्जी है, उसे तो पाने के लिए कुछ करें। क्यों इस सुनहरे अवसर को खोते हैं हम? कितनी जिंदगी बची गई है? आप सब रोज देखते हैं, कोई बिस्तर पे मर रहा है, कोई सड़क पे मर रहा है, और कोई तो हाय हाय करके रोते मर रहा है। हम सबको मरना है, निश्चित है ये, पर रोते समय हाय हाय करके, मरते समय हाय हाय करके रोते तो मर रहे। सदगुरु कबीर ने कहा है, क्या कहा है,
उन्होंने कहा है कि हम इस दुनिया में आए थे, आए हम कैसे आए, रोते रोते, कभी ना जब हम पैदा हुए जब हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जब रोए। हम जब पैदा होते हैं तब रोते रोते तो पैदा होते ही हैं, किंतु हमारा मरना, हमारा मरना रोते रोते ना हो, हम खुशी से विदा हो इस दुनिया से। हम खुशी से कब विदा होंगे, जब हम उसके लिए कुछ काम करेंगे, जब हम इस दुनिया से जाने के लिए कुछ ऐसा कुछ कर जाएंगे कि हमें खुशी महसूस हो, हमें सुख महसूस हो, इसके लिए प्रयत्न करें, इसके लिए काम करें। हर इंसान घर और परिवार के बीच में पैदा होता है। यहाँ जिन संतों को आप देख रहे हैं वे सब भी आप जैसे घरों में ही पैदा हुए हैं, लेकिन ये सब उनके लिए ही कहा जाता है कि कहत पत्र है संत जन रहे जगत के माए बालक के लिए है जो आपन जाना है। कमल के फूल को आप सब देखे होंगे, वो जब पैदा होता है, पैदा होता है तो कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ में पैदा होने के बावजूद जब वो बड़ा हो जाता है तो कभी कीचड़ से लिपाया नहीं होता है, कभी कीचड़ में नहीं रहता है, सदैव पानी के ऊपर तैरता है। और उस पानी के ऊपर ऐसे तैरता है कि पानी के अगर एक बूंद भी उसके ऊपर पड़ जाए ना तो उसे चिपकता नहीं है, उसमें लिपायमान नहीं होता है, उसे भर जाता है। ऐसे हम सबको इस संसार में रहना है। इस संसार में रहने दुख और पीड़ा हर इंसान के जीवन में आते हैं बंधु, और उस दुख और पीड़ा में यदि हम भी दुखी हो गए, हम भी पीड़ित हो गए, हम भी कष्ट में जीवन जीने लग गए, तो फिर हमारे मनुष्य जन्म मिलने का क्या मतलब? हम भी तो वैसे ही हो गए ना जैसे पशु और पक्षी रहते हैं, वे भी खाते हैं, वे भी कुछ दो वक्त की अपने भोजन चारा इकट्ठा कर लेते हैं, प्रजनन कर लेते हैं, अपने बच्चों को परवरिश कर लेते हैं, समय आता है तो सो जाते हैं, समय आता है उठ जाते हैं, खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं। कई बार तो गुरुजन ये भी कहा करते थे कि हमसे सुखी तो इस समय पक्षियां रहती हैं। सुबह देखो, सुबह उठते ही कोयल कू कू की आवाज, सुबह उठते ही कुत्ते कितने मस्त होकर खेलते रह जाते हैं, और हम लोग सुबह उठते ही हाय 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 आज ये करना है, कल वो करना है, ऐसे जीवन जीना है, दिन भर का लिस्ट तैयार करते हैं और शाम तक वो लिस्ट भी पूरा नहीं कर पाते। जीवन में अनेक तमन्नाएं लेकर जीते हैं, उन तमन्नाओं को पूरा भी नहीं कर पाते और रोते रोते इस संसार से विदा हो जाते हैं। जरूरत है हम सबको कि अपने जीवन को देखें, अपने जीवन को कुछ संवारने का प्रयास करें। ये छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी, फिर छोटी सी जिंदगी तकरार किस लिए रहती है, दिलों में दीवार किस लिए है, किस दिलों का साथ साथ फिर सब जुदा जुदा रामों में कांटे बिछाए किस लिए। छोटी सी जिंदगी मिली हुई है, कुछ दिनों का है। जब बच्चे हमारे पैदा होते हैं तो हम सोचते हैं कि इनके साथ हमें सुख मिलेगा। जब पत्नी के साथ जब शादी हुई थी तो कितना अच्छा महसूस किया गया, आज उन दिनों को याद करेंगे तो हम हंसी आए। इतने दिनों तक हम साथ साथ रहे, फिर भी आज वो सुकून, वो चाहत, वो सुख मिल ना सके, फिर भी हम किस चीज की आशा में पड़े हैं। अब तो जाने का वक्त आ गया, अब जाने की तैयारी करें। इस पार तो सब कुछ भार चले, इस पार न जाने क्या पाया, इस पार तो हम सब भागते ही चले जा रहे हैं, फिर क्या सोचते हैं कि उस पार में कुछ मिलेगा। लोग तो स्वर्ग और मोक्ष की इच्छा करते हैं, पर यदि इस जीवन में हम स्वर्ग और मोक्ष को नहीं पाए
तो फिर उस पार में जाने क्या पाया, उस पार पे हमें कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए हम सब अपने जीवन को, इस जिंदगी को, इस समय को, इस वक्त को गवाएगा, अपने जीवन को संवारने का काम करें, अपने मन को संवारें। आप यदि चाहते हैं कि मैं अपने जीवन को संवार लू, तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करना चाहिए, अपने मन को संवार लीजिए। यदि आप अपने मन को संवार लेंगे ना, तो आपका जीवन सुधर जाएगा, संपूर्ण जीवन सुधर जाएगा। अब मन को संवारे तो संवारे कैसे? जैसे हम अपने कपड़े को रोज धोते हैं, अपने घर को रोज मुहारते हैं, वैसे ही इस मन को रोज संवारने की जरूरत होती है। और उसे संवारने का सिर्फ सिर्फ और एक साधन है सत्संग, संगति, अच्छे संतों की, अच्छे वाणियों की, अच्छे अच्छे ग्रंथों की। आजकल तो नया युग है, नया समय है, संतों के विचारों को आप मोबाइल में रख लें, अपने पास आप पढ़ने लायक हो तो ग्रंथ रख लें। और फिर उसका लाभ ले और जीवन में कुछ सुधार लाए। हम सब इस जीवन को खोए ना, इसके लिए हम प्रयास करें। जो थोड़ी सी बची हुई जिंदगी है ना, बस इसमें ही अपना काम कर लेना है। तो आए हम सब अपनी जिंदगी को संवारने का काम करें, इसे खूबसूरत बनाने का काम करें, ताकि हमारी सूरत भी अभी इसी वक्त से पहला शुरू हो जाए। और अभी कुछ मैं कहते थे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। और